Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Manish and you're watching Miss Crazy. और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर सामान लेने, क्योंकि शाम में हम लोगों के घर लोग आ रहे हैं, तो हम लोग अभी जाकर के सामान वामान खरीद के लाएंगे, फिर डिनर बनाएंगे. तो बड़ा लंबा प्रोग्राम है आज का. और एक सागर शूज भी मंगाया था, तो उसको वो ठीक नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग को रिटर्न करना है. यहाँ पे अमेजोन का जो रिटर्न वाला जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो घर से आकर के पिक करके लेके जाएगा. जैसे अनलाइक इंडिया, हम लोग का 100 सामान मंगाते थे, उसमें से 10 रिटर्न के लिए होता था. ये तो हम गलत स्टैटिस्टिक्स बता दी, आधा आधा समझ लो. हाँ, तो रिटर्न करना पड़ता था, तो वो घर से लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जगह होता है, वहाँ पे आपको ड्रॉप करना पड़ता है सामान. बाहर मौसम इतना अच्छा है, घर के अंदर बड़ा गर्मी लगता है. थोड़ा सा क्लाउड है, ज़्यादा नहीं, हवा ठंडी है. सो यूजुअली हम लोग टेस्को जाते हैं, लेकिन आज हम लोग टेस्को नहीं जाएंगे, हम लोग सेंसबरीज जाएंगे. यहाँ पे छोटा सा है, लेकिन यहाँ ना जाकर के एक पीछे और थोड़ा बड़ा सा है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पनीर लेना है. आज जो भी जनता आ रही है वो लोग वेजिटेरियन है, तो हम लोग पनीर लेने जा रहे हैं. और अगर आप यहाँ पे नए हो और आपको नहीं पता कि अच्छा पनीर कहाँ मिलता है, तो जो सेंसबरीज का जो पनीर है ना, वो बाकी हम लोग जहाँ का भी ट्राई किया उससे ज़्यादा अच्छा है. और ये चीज़ मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो यूके में रहती थी पहले, तो उसने मुझे बोला था कि पनीर अगर खाना है तो सेंसबरी का ही लेना, अदरवाइज डिसअपॉइंट हो जाओगे. तो हम लोग इस दुकान में आए हैं और यहाँ पे हम लोग अमेज़ॉन का रिटर्न इनिशिएट कर रहे हैं. ये एकदम देखो फुल फ्लेज दुकान है, और इसके अंदर है अमेज़ॉन का. हम लोग पहली बार कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे अमेज़ॉन रिटर्न करने का. इसको QR कोड स्कैन करना है और फिर लेबल प्रिंट होगा. हो गया, और ये लेबल आ गया. अब इस लेबल को चिपका करके भेज देना है. ये रिसीट मिला है हमें, चलो इस टाइप का एक रिसीट मिला है. दिस इज़ द सेंसबरी, यहाँ पे जाना है हमें पनीर लेने. यहाँ से तेज पत्ता उठा लेते हैं सागर, तेज पत्ता नहीं है. ठीक है, और कुछ लेना था? सारा खड़ा मसाला है, देख लेते हैं कुछ चाहिए तो. दिस इज़ द पनीर, ये पनीर 1.8, ये अच्छा पनीर है. चले, यहाँ का काम हो गया, अब हम लोग वहाँ टेस्ट को चलते हैं. प्लीज मूव. और सागर ने एक सब्ज़ी बनाई है, ये मटर मशरूम उसने बना दिया है, ये हमने रख दिया है. और अब हम शाही पनीर बना रहे हैं. देर के लिए हम सो गए थे, फिर अब उठ के फिर हम कहे कि जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं वरना लेट हो जाएगा. तो बस मेरा भी ज़्यादा शाही पनीर बनाने में ज़्यादा कुछ काम है नहीं. और एक्चुअली हम लोग जो नान होता है वो बाहर से लेकर के आए गए थे, ये मैं दिखा देती हूँ. एक्चुअली मेरा मन है दिखाने का. M&S का ना ये आता है गार्लिक नान, देख लो 2.3 या 2.8 पाउंड्स में दो आता है, बड़ा बड़ा, मतलब इसमें दो से तीन लोग आराम से खा लेंगे विद राइस अगर है तो. और ये वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग जितना भी यहाँ पे ट्राई किए सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है. तो आप भी एक बार मंगा के देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, मे बी, बट हम लोग को बहुत पसंद है ये वाला. तो जब भी अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो हम लोग ये वाला नान मंगा लेते हैं. एंड आई डिड दिस.
पता नहीं यार कैसे हो गया, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था, अब क्या करें। कैसे क्लीन होगा? ये डाल करके मैंने साफ करने की कोशिश की तो देखो यहाँ के येलोइश में और यहाँ के येलोइश में अंतर है ना। नहीं वो तो साफ हो गया पूरा, ये खाना है खाना। अरे यार सॉरी, इसको थोड़ा पीछे करना, ये खत्म हो जाएगा, ये इसमें इतना है ही नहीं, खत्म होने वाला है ये। देते आएंगे और देखो इतना साफ किया है मैंने, फिर भी येलोइश येलोइश लग रहा है, इसको धीरे धीरे साफ करना पड़ेगा। हम एयरबड लेके आए हैं इसको साफ करने के लिए। व्हाट एन आइडिया। यस तो बंद करो, करो वो बंद करो, स्विच ऑफ करो। ये सच में पता है हमको कैसा लग रहा है, जैसे हम किसी का ईयर क्लीन कर रहे हैं। वैसी फीलिंग आ रही है हमको सागर। और हम क्लीन कर दिए जितना ज़्यादा हो सके। ये भी पूरा येलो था, लेकिन जो मेरे पास हॉप क्लीनर है ना, ये वाला, इस वाले हॉप क्लीनर से मैंने क्लीन किया तो दीवारें भी साफ़ हो गई हैं पूरी अच्छे तरीके से। और इसके अंदर तो मैंने ईयरबड से क्लीन किया, और ये सारे जो कॉर्नर्स थे ना, मैंने ये इसको पूछ देते हैं, मैंने ये ब्रश जो होता है ना टूथब्रश, उससे क्लीन किया है। तो एकदम ये देखो, कौन कहेगा यार इसको देख करके कि अभी थोड़ी देर पहले इसके साथ क्या हुआ है, एकदम साफ हो गया हर तरह से। चलिए अब इसको पीसते हैं, इतने नाटक के बाद हम सोचे थे कि जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे। मेरे पूरा टी शर्ट ख़राब है, पूरा टी शर्ट पे येलो येलो हो गया है, एंड आई थिंक अब ये टी शर्ट पहनने लायक नहीं हो गई, और मेरी हालत भी ऐसी हो गई है ना। अब हमको खाना बनाना है, फिर उसके बाद हमको नहाने जाना है, पहले लेकिन खाना बना के नहाएंगे। और मेरा खाना रेडी हो गया है, सब्जी बन गई है, चावल बना रहे हैं, और ये घी हम उतार रहे थे ऊपर से, और मेरे ऊपर गिर गया यहाँ पे। आज का मेरा ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इतना गिराए हैं पड़ाए हैं साफ करने में, इतना हो गया अच्छे से, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टिल मतलब थक गए, फिर खड़े 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 बहुत देर से खड़े खड़े थक गए, अब पार्टी करने का जोश और जज्बा नहीं रहा। Eight people.